केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। 4 साल पहले मॉब लिंचिंग के विरोध में निकाले गए जुलूस को लेकर चर्चा में आया मेरठ का बदर अली एक बार फिर से विवाद में आ गया है। कमजोर व जरूरतमंद युवतियों की शादी कराने की आड़ में ठगी व रेप के प्रयास के आरोप एक महिला ने अपनी बेटी संग आज पुलिस ऑफिस पहुंचकर लगाए। महिला ने आरोप लगाया कि बदर अली ने उसकी बेटी सिमरन का विवाह अपने परिचित सलीम से करा दिया। अब लोभ लालच में उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। आरोप है कि इसकी शिकायत लेकर जब महिला अपनी बेटी संग फैजियाम स्थित युवा सेवा समिति के कार्यालय पहुंची तो वहां उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि यह गैंग कई युवतियों की जिंदगी इसी तरह बर्बाद कर चुका है। इन लोगों से जिस जुबान में सलीम बात करता है उसका गालियों से भरा एक ऑडियो भी महिलाओं ने पुलिस को उपलब्ध कराया है, जिसे यहां सुनाया नहीं जा सकता है। firstbite.tv द्वारा बदर अली से पक्ष जानने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कई बार प्रयास के बाद भी फोन नहीं उठाया। पुलिस पूर्व में बदर अली के अवैध रूप से बने अस्पताल को भी जमींदोज कर चुकी है। पुलिस ऑफिस पहुंची महिला सायरा व उनकी बेटी सिमरन ने मीडिया को यह जानकारी दी। मेरी शादी इसने बदर अली ने, जो सेवा समिति चलाते हैं, उन्होंने बदर अली ने सलीम से करवाई अपनी जिम्मेदारी पे। वो शादी करवाने के बाद ये जो है ना लूटने के लिए शादी करवाई थी। सब तो लड़का शादी के बाद मेरे घर पे आ गया तो सब कुछ लूट लाट के बदर अली के बल पे चला गया। अब ये स्थिति आ गई है कि बदर अली और ये सलीम, रियाजुद्दीन और हाजी जाकिर हमें मारने पे चले गए हैं। हम इनके घर शिकायत करने गए थे कि तुमने अपनी जिम्मेदारी पे इस लड़के से शादी करवाई है तो कुछ करो। इन्होंने हमें अलग रूम में ले जाके हमें मतलब डराया धमकाया, ये कहा कि इस लड़के को पैसे दो, कुछ भी करो पैसे दो, बस हम अपनी जान बचा रहे हैं बस। अच्छा, फैजान में क्यों रहते हैं ये लोग, क्या है इनका पूरा? फैजान में ही युवा सेवा समिति संस्था चलाते हैं, संस्था की आड़ में ये बस लड़कियों की शादी करवाते हैं, उनकी जिंदगी खराब करवाते हैं। वो उसका शिकार मैं भी बन गई हूँ। सलीम साहब की कैसे मुलाकात हुई? सलीम से मेरी अम्मी की मुलाकात हुई थी, उसने अम्मी के थ्रू हाजी जाकिर से मिलवाया था। हाजी जाकिर मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ये संस्था को जानता है, वहाँ चल के शादी विवाह को मतलब शादी विवाह करवाते हैं। मेरी अम्मी को बहन बनाया था। तो ठगी कितनी हुई आपके साथ में? ठगी कई लाख की कर ली इन्होंने। ठगी कभी बिजनेस के लिए दो लाख रुपये लिखे हुए हैं। तो क्या फायदा मंटर कॉलेज के अंदर भी कोई आपके साथ में गलत काम किया गया? जी, 16 नवंबर पे हम गए थे, इन्होंने बैठक से उठा के हमें रूम में ले गए थे बात करने के लिए। इन्होंने हमारे साथ में बहुत बदतमीजी की और ये भी कहा कि इस लड़के को कहीं से भी कुछ भी करके इस लड़के को पैसे दो, ये हमारा छोटा भाई है, हमारा शेयर है, हमने इसको छोड़ रखा है। सलीम फैजाम इंटर कॉलेज में बदतमीजी हुई, इन्होंने सलीम को भी बुला लिया था, रियाजुद्दीन और हाजी जाकिर सबको बुला लिया था। 16 नवंबर 2023 में उन्होंने हमारे साथ में बहुत बदतमीजी की और सलीम हमें मारने पे चला गया। तो आपने शिकायत थाने में भी करी थी? जी, मैंने शिकायत थाने में भी की है। तो थाने से कोई कार्रवाई हुई थी? कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक, मैं परेशान हूँ और ये लोग मुझे मारने पड़े, मेरी माँ को, भाई को, मुझे अपनी जान का खतरा है। बस मैं न्याय चाहती हूँ, इन लोगों ने मेरे साथ में कर दिया और लड़कियों के साथ में भी करेंगे। इसलिए न्याय, हमें न्याय मिलना चाहिए कि हम दोनों माँ बेटियों को जान का खतरा है, मेरा बेटा है उसकी भी जान का खतरा है। ये बदर अली हाजी जाकिर ने अपनी जिम्मेदारी पे शादी कराई मेरी बेटी की। फैजियाम में जो इंटर कॉलेज फैजियाम में ये बैठा हुआ है बदर अली, इसने पूरी जिम्मेदारी दी, पेपर भी स्टाम्प पे लिख के दिया कि लड़का नेक है, अच्छा कमाता है, तुम शादी मेरी जिम्मेदारी पे कर दो। शादी हो गई, शादी के बाद से ही वो कहने लगा मेरा बिजनेस ये है वो, मैं उसे पैसे देती रही, लिखत में 2 लाख रुपए मैंने इसको दिए जिसका फोटो भी लगा हुआ है, रियाजुद्दीन का बेटा है सलीम, जो मेरा दामाद बना था। अच्छा। और ये बदर अली ने संस्था के नाम पे फंसाया मुझे, भोले वाला देख के छोटा परिवार है। अच्छा। ये सब कारस्तानी बदर अली की है, इसे सजा होनी चाहिए, इसने बहुत औरतों की जिंदगी खराब कर दी, मेरी बच्ची और हम मरेंगे तो इसी की वजह से मरेंगे। अंदर कमरे में बिठाया जिसमें बैठक टाइप है इसका कमरा। कहाँ पर है कमरा? फैजियाम जो जिसमें ये संस्था चलाता है, युवा सेवा समिति कहता है, उसमें बिठाया। उसमें बिठाने के बाद इसने बहुत बदतमीजी दोनों माँ बेटियों से की, बोले पैसे दोगी नहीं क्या, मुझे क्या दे दिया है, मैंने शादी कराई मुझे तो कुछ मिला ही नहीं है। और वो दमाद है, घर दो मकान दो, मैंने कहाँ से दें, हम उसे कितने भी दे दो वो सब खा जाएगा, हमारी इज्जत नहीं करता, मारता है हमें, कह रहा तो पिटो। और हल सलीम, रियाजुद्दीन सलीम उसका बाप है,
और कहीं भी हम जा रहे हैं पुलिस में हमारी मदद यूं नहीं हो रही है, वो माँ की टांग सड़ी भी दिखाते, कर्जदारों से बचता है। अच्छा। जो सलीम का बाप है रियाजुद्दीन, कर्जदारों से बचता है, माँ की सड़ी भी टांग दिखाते हैं। लड़कियों की इज्जत लूटने की लूट, इसने बहुत लड़कियों की सलीम ने इज्जत लूटी है और बदर अली के बल पर लूटी है। बदर अली कहता है कि तुम लूटो, पैसा लाओ, फंसाओ लोगों को, लड़कियों को फंसाओ। अब ये स्थिति आ गई, हम उससे डिवोर्स भी ले रहे हैं, चाहता डिवोर्स ले लें, उसके बाद भी हमें मारने कहता है। वहाँ पे क्वार्टर मिला हुआ है क्या उन्हें? वो उसमें बैठे हैं, फैजामी दिखाया था इन्होंने कि हम तो हैं गरीब लोगों की सहायता करते हैं, शादियां कराते हैं। वहाँ पर रूम है, इन्होंने हमें फोन में दिखाई वीडियो कि हमने इतनी शादियां करा रखी हैं फैजिया में, और अब ये कहते हैं हमसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।